नन्ना मैया जी के बारे में। तो एक बार जोर से बोलो नन्ना मैया की जय। नन्ना मैया जी के बारे में तो एक बार जोर से बोलो नन्ना मैया की जय। फिर से बोलो नन्ना मैया की जय। तो नन्ना मैया की पूजा पूरे उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से किया जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के दिन नन्दा मैया की पूजा होती है और जोहार में भी नन्दा मैया की पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जोहार में सबसे पहले नन्दा मैया की पूजा पता है कौन से गांव में आरंभ हुआ? पाछू गांव में। पछवाल लिपवाल 16वीं शताब्दी की बात में आपको बता रहा हूं मैं। 16वीं शताब्दी की बात में पाछू के पछवाल लिपवाल गढ़वाल में लाता नामक जगह से एक मूर्ति लेके आए। पाछू गांव में लेके आए, वहां पर मूर्ति की स्थापना किया, मंदिर का निर्माण किया और आस पड़ोस के जितने भी गांव वाले थे वो सब लोग जो है उस समय पाछू आते थे और वहीं पर जो है नन्दा मैया की पूजा करते थे। नन्दा मैया की पूजा नौरते लगाकर किया जाता है। जिस दिन पूजा होती है उससे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले से ही नौरथ का आह्वान, पंचमी के दिन से ही नौरथ का आह्वान किया जाता है, नन्दा मैया का आह्वान किया जाता है और नौरथ लगाया जाता है। जिस दिन पूजा होता है एक मेले का रूप ले लेता है और लोग पूरे गांव में घूमते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यो बाटो का जाना होलो, सुरा देवी का मंदिरा। इस तरह से नाचते हैं, गाते हैं और झूम कर आते हैं। जिस दिन पूजा होता है उस दिन ठीक एक दिन पहले फुलेर जो फूल लेने जाते हैं, कौन कुफू ब्रह्म कमल जो हिमालय के 15,000-16,000 फीट ऊंचाई में मिलता है, उस फूल को वो लोग लेके आते हैं और उस फूल के साथ ही नन्दा मैया की पूजा किया जाता है। और जिस दिन पूजा होता है नन्दा मैया की पूरे गांव में सभी लोग जो है झूमते हैं, नाचते हैं, नुस्खा गाते हैं, मनोरंजन करते हैं, वाह क्या। तो फिर जो जोहार के अलग अलग गाँवों में जो है नन्दा मैया की पूजा होने लग गया है, बिलम में भी होने लग गया, पाछू में भी तो होने लग गया है, मापा में होने लग गया है, गंगर में होने लग गया है, बिंजू में होने लग गया है, लाशपा में होने लग गया है, अलग अलग जगहों पर मरतोली में होने लग गया है। मरतोली में शानदार मंदिर का निर्माण हो रहा है नन्दा देवी का और इसी तरह से मुंशारी में भी भव्य मेले का आयोजन होता है, सुरिंग में भव्य मेले का आयोजन होता है, डनाधार में जो है भव्य मेले का आयोजन होता है, हाथी में भव्य मेले का आयोजन हो जाता है होता है। तो अलग अलग गाँव में, बोना में और शीतकालीन प्रवास जहाँ जहाँ पर भी रहा है वहाँ पर भी जो है नन्दा मैया की पूजा बड़े धूमधाम से किया जाता है। तो कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये रहा आपके साथ। तो ये है कौलकुप्फू ब्रह्म कमल और जो कौलकुप्फू ब्रह्म कमल लेके आते हैं उनको बोलते हैं फुलेर। तो ब्रह्म कमल लेके आ रहे हैं माँ नन्दा सुनंदा के मंदिर में विराजमान है माँ नन्दा सुनंदा। इस तरह से वो लोग सजावट करते हैं और लोग पूरे गांव में फेरे लगाते हैं। ये फुलेर गांव में पहुंचने वाला है, लोग बाग माँ में ध्यान लगाकर खूब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और पूरे गांव का फेरा लगाते हैं। तो मंदिर जाते समय बाजे खाजे के साथ माँ के मंदिर में जा रहे हैं, पुरुष वर्ग आगे महिला वर्ग पीछे माँ का भजन गाते हुए वो लोग जाते हैं।
उत्तराखंड के विभिन्न भागों में नंदा मैया की पूजा अर्चना किया जाता है। लोग बाग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और नंदा मैया का भजन कीर्तन करते हैं, खूब गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और मैया को स्मरण करते हैं। उसके बाद समूह में ढुसका चांचरी गाते हैं, खूब आनंद लेते हैं। तो कैसा लगा? तो इसी तरह से चेचवा चैनल में जोहार गुनशाल की बातें करते रहेंगे। तो की कला थी मदाकार चेचवा। नंदा देवी पूजा कनु सब धनी मिली, दुर्गा माता रूप छियो सैल पुत्री माई।